हापुड़ जिले में एक भ्रष्ट गांव को गंगा ग्राम घोषित किया गया है। इस गांव को गंगा ग्राम घोषित किए जाने के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के महानिदेशक भी मौजूद रहे, लेकिन इस कार्यक्रम के सह संयोजक ने गांव के प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपकी शायद जानकारी में होगा, प्रधान पे भी है, तो आप ये हमें बताइए कि उस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं, उसी को गांव को कर दिया गया, आज भी गांव जो है वो स्वच्छ नहीं है, उसको आपको क्या कहना है? जो उस पर ग्राम प्रधान पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसमें कई अधिकारियों पर जो सेक्रेटरी है वो बर्खास्त हुए थे वहाँ पर, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर वो अपने पद पर आ गए थे। और उस गांव के अंदर अभी भी जो DPRO ने इन्होंने स्वच्छ पूर्ण रूप से जो उसको ODF घोषित किया है, मैं समझता हूँ भी पूरी तरीके से ODF नहीं है वहाँ पर। पूरी तरीके से अभी जो भारत सरकार की तरफ से जो शौचालय बनाए जा रहे हैं अभी काफ़ी कमी है, करीब सैकड़ों लोगों के। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें सेक्रेटरी DPRO है। वहीं इस पूरे मामले पर महानिदेशक मीडिया के सवालों से दूरी बनाते नजर आए। देश भर लॉन्च हो रहा है, गंगा किनारे जो गांव है 4,500 हैं, सारे ODF बन चुका है, खुले शौच से मुक्त। उसके बाद जो अगले पड़ाव है वो है कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सारे काम हो, उसके लिए DPR बन रहे हैं। लेकिन उसके भी आगे एक प्रयास चल रहा है कि एक समन्वित विकास हो जो गंगा किनारे के सारे गांव में, इसलिए 24 पायलट गांव लिया गया है। पहले वो पायलट गांव में 10 UP में है, भारत भर 24 लिया गया है। उसमें से हापुड़ की जो गढ़ में कूट गांव है वो है गंगा ग्राम, क्योंकि उसमें ODF बन चुका है, SLWM का उसका जिला प्रशासन की तरफ से। जो कूट आपने जो घोषित किया है गंगा ग्राम से, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, विजेंद्र नाम का सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ था, सबसे पहला और आरोप प्रधान पे भी लगा है, घटिया सामग्री और जो मल मूत्र है वो गंगा में जा रहा था, उसको लेकर के जांच भी हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसे कुछ हमारे सामने तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों ने आपको गुमराह कर दिया, कोई जानकारी नहीं दी गई, तो इसमें क्या कहते? जब भी कोई जगह में कुछ समस्याएं होता है प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन, उसका सूचनाएं जब आता है तो उसके बारे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो भी उसको उसमें जो एक्शन लेना है पहले सूचना को वेरीफाई किया जाता है। जब कुछ आता है ऐसे कुछ हमारे पास तो सूचना भी नहीं है। सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया था सर उसके अंदर, और प्रधान पर भी आरोप लगे थे, वो भी रिपोर्ट बनी है बाकायदा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच चल रही है। उसमें कोई सूचना आता है कहाँ से जो हमारे फॉर्मल चैनल्स में आता है या बाहर से आता है या पब्लिक से आता है, ग्रीवेंस आता है, उसका हमेशा ही जांच किया जाता है। गुड नेम सर? अक्षय राव। अक्षय राव। सह संयोजक के आरोपों के अनुसार पुठ गांव पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और इस मामले में सेक्रेटरी पर भी कार्रवाई की गई थी जो बाद में अपने पद पर वापस आ गया। वहीं पुठ गांव को जो ODF घोषित किया गया है वो अभी पूर्ण रूप से ODF नहीं है और भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे शौचालयों में भी काफी कमी है। हापुड़ से नदीम अहमद, पंजाब केसरी TV।